सो फाइनली आ गया मेरा प्रोडक्ट, काफ़ी दिन इंतजार कर रहा है डिलीवरी बॉय, आप देख सकते हैं। इसको घर में ले जा करके अच्छे से अनबॉक्स एंड रिव्यू करते हैं। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ये आ चुका है। अभी बाल देख सकते हैं, मैं अभी उठाई हूँ जस्ट 10 मिनट पहले। तो ये अभी 10 मिनट पहले वही आके उठाया है जो कुरियर बॉय था। कुरियर बॉय मेरे पास ही सबसे पहले आता है क्योंकि मेरे घर से उसका जो दूरी है लगभग 500 मीटर ही है, तो सबसे पहले मेरे से ही शुरू करता है और आ जाता है सबसे पहले सुबह सुबह। तो ये दोनों मंगवाया मैंने, दोनों को दो वीडियो में अनबॉक्सिंग करूँगा। दो, एक है बोट का, एक है बोल्ट का। बोट का जो है आपके पास मैंने जो मंगवाया है वायरलेस ईयरफोन जिसे बोलते हैं आप लोग, जिसको नेकबैंड भी बोलते हैं, तो वो है। और एक सिंपल सा एयरफोन है बोल्ट का जो कि 299 में है, एक ये 1199 का है। तो दोनों को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे बढ़िया से। तो अब आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है अमेज़ोन की तरफ से पैकेजिंग एंड इसके अंदर है अपना मेन प्रोडक्ट। अभी इस वीडियो में मैं जो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उसका नाम है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस, तो उसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक और प्रोडक्ट मंगवाया था उसका करेंगे, तो उसका फिर लिंक जैसे ही अपलोड होता है वीडियो डाल दूँगा। तो ये जो प्रोडक्ट है अमेज़ोन की तरफ से मैंने मंगवाया है और विद इन 3 डेज ये मेरा प्रोडक्ट मेरे घर आ गया। अभी इसको हम लोग खोलने का कोशिश करते हैं, शायद इधर से खुले। ओ नहीं, हाँ इधर से ये सील है, तो इसको फाड़ लेते हैं हाथी से। तो ये फट गया काफ़ी जोड़ लगाने के बाद, और इसको हम खोलते हैं। उधर से भी सील है तो उधर से भी इसको फाड़ना पड़ेगा, तो इधर से भी हम लोग कर लेते कोशिश, फाड़ लेते। देन आपको इस तरह से पैकेजिंग रहेगा, आप ऐसे खोलेंगे देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग अच्छे से बाहर निकाल लेते अपने मेन प्रोडक्ट को। ये बिलिंग एड्रेस वगैरह है आपका, जो बिल बना है उसका ये बिल दिया है, और ये जो आपके बॉक्स में सिर्फ ये है, बाकी सारी चीज़ों को साइड कर लेते हैं। ये हमारा बोट का मेन प्रोडक्ट बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस, तो उसको साइड कर लेते हैं और इसको साइड में रख लेते हैं। तो यह प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, लगभग मुझे लगा 1200 रुपये, 1199 तो 1200 हो गया। अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे ख़रीद सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसके पैकेट पे बोट लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 255 प्रो प्लस। प्रो भी आता है, प्रो प्लस भी आता है, तो प्रो प्लस थोड़ा सा एडवांस फीचर के साथ आता है। और यहाँ पर कुछ फीचर्स इसके जो मेन फीचर्स है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। बीस्ट मोड, 40 घंटा से ज़्यादा आप लोग गाना सुन सकते हैं लगातार, और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अभी इसको टर्न करते हैं, पीछे में यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम नहीं आएगी, यूजलेस एक तरह से। तो इसको पीछे क्या क्या लिखा है, कुछ हाइलाइटेड फीचर्स है वो देखिए। यहाँ पर बोट का सिग्नेचर साउंड, काफ़ी अच्छा साउंड होता है, एकदम क्रिस्पी, और इसमें वाटर प्रूफ है। यहाँ पर डबल पेयरिंग है, मैग्नेटिक ये है, और ऊपर से ये सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट भी इसमें सपोर्ट करता है, और टाइप सी इसमें सपोर्ट करता है। जब चार्ज करेंगे तो आप टाइप सी केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। और रेड कलर में कुछ आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो रेड बॉक्स में लिखा हुआ है। सो इसको हम लोग अभी अनबॉक्स करने की कोशिश करते हैं और इसको देखते हैं कि अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट है, और एक बार मैच कर लेंगे कि सारे प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो इसका जो सील दिया गया है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का टेप यूज़ किया है, आसानी से निकल नहीं रहा है, और इसको थोड़ा कोशिश करने के बाद आपको ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भरपूर कोशिश करने के बाद ये फाइनली खुला। देन इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिला है हम लोगों को। तो इसके अंदर एक बॉक्स है, उसमें सारी चीज़ें रखी गई है, बोल सकते हैं एक कर्टेन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते इस सारी चीज़ें इसमें रखी गई है, और ये आपका मेन प्रोडक्ट। मैंने इसको लाइट ग्रीन या फिर लाइट स्काई भी इसको बोल सकते हैं, जो कलर आप समझ सके। ये कलर मुझे फेवरेट लगा तो मैंने इसे ऑर्डर किया, और भी कलर मौजूद हैं, आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाके इसको एक बार चेक कर सकते हैं, आपको जो भी कलर है आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कलर मंगवाया है, देख सकते हैं काफ़ी शाइनी एंड फर्स्ट इम्प्रेशन जस्ट वाओ। मुझे तो मतलब इस कलर वाइज मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी क्वालिटी भी चेक करेंगे साउंड क्वालिटी कैसा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ये अपना मेन प्रोडक्ट है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। देन और इसके साथ क्या क्या मिला है, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ आपको ये एक पन्नी में आपको थोड़ा सा सब्सिडरी पार्ट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मिली है। अब इसको हम लोग
अनरैप करके इसको हम लोग खोल के एक बार ज़रूर देखते कि क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले और जो मेन है, इसके बिना आपका जो ये नेक बैंड है ना, अधूरा है। तो ये सबसे मेन है और इसको बोलते हैं अभी डाटा केबल, चार्जिंग केबल, जो बोलना है बोल लो। और ये जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी है। आपको थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाता हूँ, तो एज अ क्लियर आप देख ही सकते हैं कि क्या किस तरह का है। टाइप सी चार्जिंग केबल है, इसकी मदद से आप कोई भी चार्जर में लगा के इस केबल के थ्रू आप चार्ज कर पाएंगे अपने ये जो प्रोडक्ट मंगवाया आपने। और इसके और भी कुछ चीज़ें मिली हैं इस पन्नी के अंदर, उसको भी निकालते हैं। इसको ईयरड्रम्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके मान ले जाए आपके वो सब भी भुला जाए या गंदी हो जाए, तो आप इससे रिप्लेस करके बार बार बदल करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये भी। और भी चीज़ें हैं जो कि सारे यूजलेस हैं। बस एक और देखिए, यहाँ पर स्टिकर है। अब इसको जहाँ पे भी आप चिपकाना चाहें चिपका लें, फ़ोन के कवर पे या कहीं और पे। तो ये सारी चीज़ें फालतू है, इसको हटाते हैं। और ये सारे अंदर में आपके डॉक्यूमेंटेशंस प्लस वारंटी कार्ड दिए गए हैं, जो कि आपके कभी काम आएंगे नहीं। वारंटी कार्ड ऐसे ही फेंकने लायक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए कितना लंबा चौड़ा दे देगा, इसका ज़रूरत नहीं है। बस एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना, बस कंपनी को तो यही चाहिए एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह से हो जाए। और यह इसके साथ एक ईयर का, एक साल का वारंटी कार्ड दिया गया है। तो ये सारे बहुत कम लोग यूज करते हैं, एक तरह से मान सकते हैं यूजलेस है। और एक आपके पास यूजर मैनुअल गाइड है। तो ये इसको चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से चला पाएंगे इसके बिना पढ़े ही। तो सारी चीज़ों का अभी साइड करते हैं, मेन प्रोडक्ट पे आते हैं हम लोग। फिलहाल जो बॉक्स पे जितनी भी सारी चीज़ें मेंशन है लिखी गई है लिस्ट में, वो चेक कर लेते हैं मिला है या नहीं। तो वन रॉकर ये तो मिल गया मेन प्रोडक्ट, उसके बाद सी केबल मिल गया, सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है हाँ सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो फाइनली किसी भी तरह का फ्रॉड मेरे साथ नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर देखते हैं ये अपना मेन प्रोडक्ट कितना शाइनी लग रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये एयरपोर्ट का कलर। अभी क्वालिटी टेस्ट करेंगे, तो इसको साइड करके यहाँ पर मेन प्रोडक्ट को देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले बोट का ब्रांडिंग आपको दिखेगा। तो इसकी एक एक चीज़ मैं कवर करूँगा यहाँ पर, इसके साउंड क्वालिटी, वायर क्वालिटी एंड सारे ऑन ऑफ बटन कैसे पेयर करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं मेन, जहाँ से आप लोग सुनते हैं वर्ड्स, उसको हम लोग यहाँ पर देखिए। इस तरह से इसकी कलर भी है और पीछे में बोट का ब्रांडिंग है। और तो लगे हुए हैं दो शेषनाग जी ऊपर में लगे हुए हैं। और इसको हम लोग इसकी माध्यम से ये जो कान में ना टोटली फिट हो जाता है और मैग्नेटिक है, जैसा कि देख सकते हैं दोनों सट गया है आपस में, दोनों ने रोमांस चालू कर दिया है। तो इस तरह से दोनों सट जाता है आसानी से मैग्नेटिक का। उसके अंदर अभी खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। अभी ये इसको एयरडम्स को हम लोग वापस डाल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पर टोटल 3 बटन्स है और बगल में एक पोर्ट है। तो तीनों बटन का क्या यूज है, काफ़ी सिंपल है, देखने से पता चल रहा है। प्लस मतलब वॉल्यूम अप करने का, माइनस मतलब वॉल्यूम डाउन करने का। और इधर जो है साइड में ये जो दिख रहा है ना, यहीं पे आपका चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर आप टाइप सी चार्जर लगा के अपने इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको खोल के मैं दिखा देता हूँ अभी, इसको शायद उल्टा खुलेगा, मैं थोड़ा गलत तरीके से खोल रहा हूँ। तो ये राइट साइड से ही खुलेगा, इस तरह से पोर्ट रहेगा। अभी ये जो आपको केबल मिला है ना, ये आप यहाँ पर इसको यहाँ पर डाल करके कोई भी चार्जर में लगा करके इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। आसानी से ये अंदर चला जाता है, टाइप सी जो दिया गया है। ऊपर से हम अब इसको बंद कर लेते हैं वापस से। अभी हम इसके सारे और भी पार्ट्स हैं उसको चेक करते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट आपके घर में आएगा बंद रहेगा। बीच वाला जो है पावर ऑन एंड ऑफ बटन, उसको प्रेस करके रखिएगा 5 सेकंड तक, आपका पावर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर बत्ती जलेगी ब्लू में। तो यहाँ पर देखिए अभी जल रहा होगा, यहाँ पर ब्लू की कुछ लाइटें जल रही है, ध्यान से देखिए ब्लू रेड। तो इस तरह से आप जब प्रेस करेंगे पावर बटन को तो इसे जलेगा, पहले से ऑफ रहता है, ठीक है। इसके बाद आप पेयर करना का जो प्रोसेस है वो देख लीजिए, उसके बाद हम और भी पार्ट्स को भी देखेंगे। पेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी जिस भी मोबाइल में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ब्लूटूथ की माध्यम से ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ जैसे ही ऑन करेंगे आप अब यहाँ पर जाएंगे डिवाइस में, तो यहाँ पर ऑन करिए ब्लूटूथ। अभी आपका ये जो ऑन किया है आपने 255 प्रो प्लस लिख कर आएगा नीचे में, जैसे कि देखिए रॉकर्स 255 प्रो प्लस, ये आपका प्रोडक्ट है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे में एक पॉपअप करके पेयर करने का ऑप्शन देगा। देखिए पेयर करने का दिखा,
तो पेयर पे आपको क्लिक करना है। पेयर पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन एंड आपका नेक बैंड दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आप गाना का मज़ा ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिए ना पेयर पे, तो आपके जो नेक बैंड है उसमें आवाज़ जाएगा कि आपका जो डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से आपको पता कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ, नीचे में देखिए ब्लूटूथ का साइन शो कर रहा है, मतलब कनेक्ट हो चुका है। अभी बात करते हैं बायर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। तो बायर क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे, बोट का अमूमन सारे प्रोडक्ट में सभी चीज़ें अच्छी रहती है। तो इसका बायर ऊपर में जो बायर दिया गया है थोड़ा सा टफ है, इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और नीचे का है जो थोड़ा लचीला है, इसको मोड़ेंगे ऊपर वाले को तो टूटने का डर है और टूट जाएगा 100%। लेकिन नीचे वाले थोड़ा लचीला है, उसको घुमा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं आराम से। और साउंड क्वालिटी कैसे मैंने फील करा, मैंने गाना सुना एक दो, तो उसको भी देखते हैं। पेयर करने के बाद मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। अभी इससे मैंने 2-3 गाने सुने, एक मैंने डीजे वाला गाना सुना, एक मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक गाना सुना, एंड 2-3 तरह के गाना सुने। इसमें ये मुझे पता चला, मेरा पर्सनल फीडबैक इस प्रोडक्ट को लेकर के है, जो साउंड है काफ़ी क्लियर है और वास भी थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। सारी चीज़ें बढ़िया, साउंड भी क्लियर, आपको क्लीन आएगा, ऐसा नहीं कि बूम बूम कर रहा है साउंड पता नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। ओवरऑल इसका रिव्यू है साउंड क्वालिटीज वाइज कलर वाइज सारी चीज़ों में मुझे डिसेंट प्रोडक्ट लगा, काफ़ी अच्छा अपने प्राइस रेंज पे, और आप इसे ले सकते बिना हिचकिचाहट के। मिलते हैं अगले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।